हेलो गाइस, ये कहानी है एक ऐसे रियल हीरो की जिसने ये साबित किया कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी सिर्फ एक बहाना है किसी काम को ना करने का। अगर आप सच्चे मन से कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास जो कुछ भी है वो सफिशियंट है। आप सच्चे मन से उस काम को शुरू तो कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव मणि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भारतीय संस्कृति। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा स्टोरी पर चलते हैं। जनवरी 1st ईयर 1973, हमारे देश के सबसे टैलेंटेड स्टेट बिहार की कैपिटल पटना में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में श्री जगदीश प्रसाद और श्रीमती जयंती देवी के घर जन्म हुआ हमारे हीरो का। पिताजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और माताजी हाउसवाइफ। जब हमारा हीरो थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिता ने उसका एडमिशन स्कूल में करा दिया, जैसा कि सभी पेरेंट्स करते हैं। लेकिन पिताजी जो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस दे पाना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए हमारे हीरो का एडमिशन कराया गया एक हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होना है वो होकर ही रहता है, और वही हुआ। हमारे हीरो को प्यार मैथमेटिक्स से, और मैथ्स के इक्वेशंस तो सभी लैंग्वेज में सेम ही रहते हैं, फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि वो इंग्लिश में हो या हिंदी में। स्कूल कंप्लीट करने के बाद हमारा हीरो जब पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय उन्होंने नंबर थ्योरी पर कुछ नोट्स सबमिट किए, जो स्टडी एंड रिसर्च इन द मैथमेटिकल साइंसेज की एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन द अप्लाइड प्रोबेबिलिटी ट्रस्ट की मैगजीन मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम में भी पब्लिश हुए। हमारे हीरो की मेहनत और मैथमेटिक्स के लिए उनका प्यार उनको इंग्लैंड की थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तक ले गया। लेकिन पिताजी की डेथ और पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हमारा हीरो एडमिशन सिक्योर करने के बाद भी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर सका। वो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या ये अच्छा था? बिल्कुल भी नहीं, या शायद हाँ। हमारे हीरो की लाइफ का एक चैप्टर यहाँ खत्म हो गया था, लेकिन असली कहानी तो यहाँ से ही शुरू होनी थी। ईयर 1992, हमारे हीरो ने एक छोटा सा रूम रेंट पर लिया, जिसका रेंट था अप्रोक्स 400 रुपीस पर मंथ, और शुरू किया अपना इंस्टीट्यूट रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और हमारे हीरो की ट्यूनिंग ही कुछ ऐसी थी कि दो स्टूडेंट से स्टार्ट हुआ वो इंस्टीट्यूट 3 साल से भी कम टाइम में अब 500 स्टूडेंट्स को कोचिंग देने लगा था। फिर अगले 4 से 5 साल ऐसे ही पढ़ते पढ़ाते निकल गए और हम पहुंच गए साल 2002 में। ये वो दौर था जब हमारे देश में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एज अ बिजनेस प्रमोट एंड यूज किया जाना स्टार्ट हो गया था। तभी एक स्टूडेंट जिसको IIT की प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की हाई एनुअल फी वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, हमारे हीरो के पास आकर कहता है, सर मुझे IIT में एडमिशन लेना है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर सकूं उतना पैसा नहीं है, शायद मैं आपको भी फीस ना दे पाऊं, क्या आप मुझे कोचिंग देंगे? हमारा हीरो ये सुनकर 10 साल पहले की यादों में कहीं खो गया, जब एडमिशन मिलने के बाद भी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को अटेंड नहीं कर पाया था। फिर अचानक हमारे हीरो के मन में एक विचार आया, वो एक विचार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारे हीरो ने उस स्टूडेंट को कहा, सिर्फ तुम ही क्यों? वो स्टूडेंट हैरानी से हमारे हीरो को देखने लगा। फिर हमारे हीरो ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे और भी तो स्टूडेंट होंगे, अगर मैं एक को फ्री में पढ़ा सकता हूँ तो बाकी 10 को क्यों नहीं? फिर शुरू हुआ सुपर 30 प्रोग्राम। जी हाँ, हमारे हीरो का नाम है आनंद कुमार। वही आनंद कुमार जिनको बिहार सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार, मैथमेटिक्स के फील्ड का सर्वोच्च पुरस्कार एस रामानुजन पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सुपर 30 के प्रोग्राम के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, ऋतिक रोशन की मूवी सुपर 30, जिसमें उन्होंने हमारे हीरो आनंद कुमार का रोल प्ले किया है। ईयर 2003 से ईयर 2017 तक 450 स्टूडेंट जिनको आनंद कुमार ने फ्री कोचिंग दी,
उनमें से 391 स्टूडेंट्स ने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और ईयर 2010 में एक फुल बैच 30 ऑफ 30 स्टूडेंट्स जो आनंद कुमार से फ्री कोचिंग ले रहे थे सभी ने जेईई मेन का एग्जाम क्लियर किया। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोगों ने जहां से ये स्टोरी स्टार्ट की थी फिर से वहीं लौट आए। लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी सिर्फ एक बहाना है किसी काम को ना करने का। ये स्टोरी थी हमारे रियल लाइफ हीरो आनंद कुमार की। फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पर अवेलेबल है, मैंने भी वहीं से नोट करके ड्राफ्ट किया है। अगर ड्राफ्टिंग में कोई मिस्टेक हुई हो या मेरा प्रेजेंटेशन आपको सही ना लगा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो सब चीजों को करेक्ट कर सकूं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब योर ऑन चैनल भारतीय संस्कृति। थैंक यू सो मच।